तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा कक्षा 12वीं का ये तो रहा आपका इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और ये रहा आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन। आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ, यानी कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो इस प्रकार का पेपर होगा आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 80 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम क्या था। देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उस यूनानी राजदूत का नाम क्या था, मेगासनीज, क्या नाम था। 7 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में सत शस्त्र संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है, तो देखिएगा महाभारत को जाना जाता है। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, देखिएगा सांची का जो स्तूप था मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग देख लें, इसका राइट आंसर आ जाएगा नल रियाद्रव्य प्रबंधम, इसका राइट आंसर होगा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो देखिएगा 1526 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त स्तंभधारी बंदोबस्त किसने लागू करवाया, तो देखिए करवाया था लॉर्ड कार्नवालिस ने। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। इसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, भू राजस्व की देशाला बंदोबस्त प्रणाली मुगल सम्राट द्वारा लागू की गई, अकबर के द्वारा इसको लागू किया गया था। फ्रांसीसी बुकाना ने एक था चिकित्सक था, इंग्लैंड के शासक ने वर्ष 1668 ई में ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई पट्टे पर दे दिया था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ, विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह और देसी रियासतों भारतीय संघ में विलय कराने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया, सरदार पटेल ने। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, उम्मीद करता हूँ कि सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, तो देखिएगा ये इसका राइट आंसर आ जाएगा युधिष्ठिर। गीता का ज्ञान क्या श्री कृष्ण ने दिया, पंच महाभारत की जोड़ी जैन धर्म से मिल जाएगी, 4 आर्यसत्य की जोड़ी बौद्ध धर्म से मिल जाएगी। अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोटी क्या होगी, सूरत। ताजमहल होटल है बम्बई में। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके। अब इसके बाद में यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो देखो इसको कहते हैं पेलियोग्राफी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, चाणक्य। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। कबीर के गुरु कौन थे, तो देखो संत रामानंद थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तो देखो ये घटना थी चोरी चोरा की घटना। भारत में किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली आरंभ की गई, तो देखो 1909 का अधिनियम था ये। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य सत्य बताने हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त हुए, असत्य होगा। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, सत्य होगा। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ, असत्य होगा। पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित थी, ये भी असत्य होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया, असत्य होगा। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना दिल्ली में की थी, ये भी आपका असत्य होगा। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ से इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को जानने वाले हैं, तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है चाणक्य कौन थे, तो चलो समझते हैं कि चाणक्य कौन थे। ए टू जेड क्वेश्चन का आंसर आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चाणक्य कौन थे, तो देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा। यहाँ से देख लें चाणक्य कौन थे, देखो इसका उत्तर यहाँ से आप सब लोग लिख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो महाकाव्य की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ से देख लो और इसको पूरा का पूरा याद भी कर लेना आप लोग।
उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैन धर्म के कोई दो सिद्धांत समझाइए। तो देखिएगा जैन धर्म के दो सिद्धांत क्या क्या है, ईश्वर में अविश्वास, कर्म सिद्धांत में विश्वास। तो देखो यहाँ से आप सब लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा समझ लेना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा महात्मा बुद्ध की कोई दो शिक्षाओं के बारे में आपको लिखना है। तो देखिएगा महात्मा बुद्ध की दो शिक्षाएँ क्या क्या है, यहाँ से देख लो आप सब लोग और इसको अच्छे से याद भी कर लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उलमा कौन से संक्षेप में बताए, प्रश्न नंबर 10। देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में क्या पूछा गया है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है, लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की किस पद्धति को प्रचलित किया था, प्रश्न नंबर 11 लिखा है। तो देखो 11 का उत्तर ये लिखा गया है, आप सब लोग देख लो और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, पोर्ट सेंट जॉर्ज के भारी अंग्रेजों द्वारा विकसित नए ब्लैक टाउन की कई दो विशेषताओं को लिखिए। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 12 जो लिखा है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ से देख लो ये पूरा का पूरा और इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 13, भारत में महात्मा गांधी की प्रथम महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कब दर्ज की गई और कहाँ पर की गई। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 13 जो लिखा गया ना, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें और हल कर लेना इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो प्रश्न नंबर 14, जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा जाता है, प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा जाएगा। देखो 14 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 14, संविधान क्या है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ और ये कब लागू हुआ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर यहाँ से देख लो और इसका पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में देखो आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से देख लो आप सब लोग, इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्के अथवा मुद्राओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए, प्रश्न नंबर 16। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, पहला पॉइंट ये लिखा, आर्थिक दशा का ज्ञान, तिथि क्रम का निर्धारण और साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग देख लें यहाँ से। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, आप सब लोग इस प्रकार से इनको कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है, जैन धर्म के प्रचार को संक्षिप्त में समझाइए। तो देखिएगा इसका राइट आंसर यह आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, आईन ए अकबरी की रचना के दो मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। देखिएगा आईन ए अकबरी की रचना के दो उद्देश्य ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बंटवारा बहुत अचानक हुआ, प्रश्न नंबर 19। देखो इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा हल कर लेना इसे। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, चर्चा कीजिए कि अलवार, नेवार और वीर सेवो में किस प्रकार की जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की गई है, प्रश्न नंबर 20 लिखा है ये। तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस बता दिए मैंने आपको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21, उपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं, प्रश्न नंबर 21। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो और इसको पूरा का पूरा समझ लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22, महात्मा गांधी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना। देखो इसका राइट आंसर यहाँ से देख लो आप सब लोग कि महात्मा गांधी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 23 जो ये लिखा है, आप सब लोग देख ले, भारत के मानचित्र में आपको निम्न चीज़ों को दर्शाना है। तो देखो इसके लिए आप लोग ये देख ले भारत का मानचित्र और समझ ले। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।